पहले प्रभुपाद की जय। सो आज हम नारद भक्ति सूत्र 35वें सूत्र पर चर्चा करेंगे और वो सूत्र इस प्रकार है, तत्व विषय त्यागात संघ त्यागात च, कि भक्ति प्राप्त होती है इंद्र तृप्ति का त्याग करके और जो मंडेन एसोसिएशन है, भौतिक जो संघ है उसका त्याग करके जो है भक्ति प्राप्त होगी। तो ये नारद जी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मंगलाचरण करके इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। आज अनलंबत भुजो कनकावधातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वंबरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पन्दो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्यानिज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्रीकृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपां बुधिर यस्तम अहम प्रपत्ते। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण। तो नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति प्राप्त होगी विषय त्यागात, विषय का त्याग करने से, सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ने से, और संग त्यागाच और जो है असत संग का जो मंडेन एसोसिएशन है उसका त्याग करने से। तो ये बेसिकली सूत्र नारद जी बात कर रहे हैं कि नारद भक्ति सूत्र के तीसरे अध्याय में चल रहे हैं और उसमें नारद जी बता रहे हैं कि भक्ति प्राप्त कैसे होगी। तो ये निषेध की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी क्या चीज़ निषेध करनी है, क्या चीज़ रोकनी है हमें। ये श्लोक बेसिकली नियोफाइट डिवोटिस के लिए, नए भक्तों के लिए है। तो क्या हमें सुनना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें सुनना चाहिए क्योंकि हम भी नए भक्ति हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें 10 साल हो गए तो हम तो अब पुराने भक्त हो गए। भक्ति में प्रगति या आगे पीछे होना वो डिपेंड करता है कि आपकी चेतना का क्या स्तर है। मैं बहुत भक्तों को जानता हूँ जो भक्ति में अभी जुड़े ही हैं लेकिन उनका भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा है, जबकि मैं ऐसे भी कई भक्तों को जानता हूँ जो कई साल हो गए भक्ति के अंदर लेकिन जहाँ थे वहीं हैं और जिस सिचुएशन में हैं उसी में कंफर्टेबल है, उससे आगे बढ़ना भी नहीं चाहते और खुद तो आगे बढ़ना भी नहीं चाहते और दूसरों को भी हाथ पकड़ पकड़ के बेसिकली रोकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार उदाहरण मैंने शेयर किया था कि जब मैं दीक्षा का फॉर्म जमा कराने गया था तो जिसको फॉर्म देने गया था ऑफिस में, उसने बोला मेरे को, अरे भाई आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हो, क्या होगा? तो मैंने बोला, भाई अगर दीक्षा इतनी ख़राब है तो तूने क्यों ली? तो उसने कहा, मेरी तो मजबूरी थी, मुझे रोटी का जुगाड़ करना था। तो दीक्षा ले ली, मंदिर में एक सर्विस मिल गई, बस पड़ा रहता हूँ, रोटी मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, कुछ बस गुजारा चल रहा है। ऐसे ही एक भक्त से, जो कि बहुत अच्छा भक्त एक समय में था एक्चुअली में, और फिर उसकी शादी वादी हो गई, उसने जॉब करनी शुरू कर दी बाहर किसी डिवोटी के यहाँ पे। वो अच्छा है, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत कोई पढ़ा लिखा है, ये हो गया वो हो गया, नहीं, मतलब नॉर्मल है। आई डोंट नो कि ग्रेजुएट भी होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। चलो अपना काम कर रहा है, अपना चल रहा है, साथ में डिवोशन कर रहा है, वे मंदिर में फुल टाइम हो गया वो। तो मैंने उसको पूछा, और क्या चल रहा है आजकल? तो उसने कहा, बस अब सेटल हो गया हूँ, अब तो मैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा। तो फिर मैंने उससे पूछा, फिर किस चीज़ के बारे में
क्या सोचते क्या हो, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते, तो क्या सोचते हो? मैं उम्मीद कर रहा था कि वो बोलेगा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे फोकस कर रहा हूँ, या भगवान कृष्ण के मुख कमल पे फोकस कर रहा हूँ, उनकी सुंदरता आस्वादन करना चाहता हूँ। उसने कहा, बस अब तो मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि किसी तरह से मेरा घर सही चलता रहे। मैंने माथा पकड़ लिया। मैंने कहा, यार ये फुल टाइम हो के आप ऐसी बातें करोगे तो कैसे बात चलेगी? और वो प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं और जगह जगह पे लोग रोहिणी के आसपास दिल्ली में लोग प्रोग्राम्स के लिए बुलाते हैं, तो प्रोग्राम्स के लिए वेट करता रहता हूँ। क्यों वेट करता रहता है? क्योंकि कोई कीर्तन के लिए लेक्चर के लिए बुलाएगा तो जाएगा, वो हाथ में 1,000 2,000 रुपये भी रखेंगे, उठा के जेब में डालेगा। जो मंदिर से पैसा मिला वो अलग है, जो दक्षिणा मिली, जो डोनेशन मिली, जो कि मंदिर में जमा करनी चाहिए थी, वो अपनी जेब में डाले। चलो भैया, काम खत्म हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी जब छोड़ के आए थे अपने परिवार को, और पुरी में चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सौंप दिया था, तो पहले तो घर से पैसा ले रहे थे, फिर घर से पैसा लेना बंद कर दिया और सिंह द्वार पे खड़े हो गए। उन्होंने भिक्षाटन शुरू कर दिया, भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद वहाँ भी दिखाई देना बंद हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा, भाई कहाँ है वो तुम्हारा शिष्य रघुनाथ, दिखाई नहीं दे रहा कई देर से। तो उन्होंने बोला कि उसने यहाँ पे भिक्षा मांगना बंद कर दिया है। अच्छा, क्यों बंद कर दिया है? तो उसको लग रहा था कि हर आने वाले व्यक्ति को, वो सोच रहा था कि ये शायद मुझे कुछ डोनेशन देगा, कुछ दान देगा। तो बिल्कुल जैसे एक वेश्या की तरह उसने रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि बिल्कुल जैसे एक वेश्या की वृत्ति होती है, बिल्कुल वैसे ही वृत्ति है। भागवतम में हमें प्रसंग मिलता है पिंगला वेश्या का। वो हर व्यक्ति को, जो भी वहाँ से घर के पास से निकल रहा था, वो सोच रही थी जरूर ये मेरा ग्राहक बनेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि मैं भिक्षा के लिए खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है मैं एक वेश्या की तरह हूँ और ग्राहक ढूंढ रहा हूँ। तो वहाँ से छोड़ के और सड़े हुए चावल खाना शुरू कर दिया कि वेश्यावृत्ति से छुटकारा मिले। अब अगर हम मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन कर लिया हमने और हम एक वेश्या की तरह हम हर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु को अगर हम देखें और हम सोचें कि जरूर इससे हमें कुछ धन प्राप्त होगा, तो ये कोई भक्ति में एडवांसमेंट नहीं है, भक्ति में उन्नति नहीं है, ये तो काफ़ी बेसिकली ख़राब स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि आपने फुल टाइम बन गए। और मैं एक डिवोटी को देखा एक बार ही, वृंदावन की बात बता रहा हूँ आपको, तो हालांकि हम कम ही जाते हैं, एक बार गया था तो एक डिवोटी कई वर्षों के बाद मुझे दिखाई दिया। तो हालांकि उसने अधिकृत रूप से इस्कॉन छोड़ दिया है, लेकिन इस्कॉन से प्रसाद आके लेता रहता वो। तो वो मिला, उसने दूर से देखा, प्रणाम राम किया उसने। तो मैंने पूछा क्या चल रहा है, तो उसने कहा बस तब ब्रज का वास कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत कम लोगों को ब्रज का वास मिलता है, भगवान से ईर्ष्या भी हो तो भी ब्रज का वास करो तो कृपा प्राप्त हो जाती है, जैसे काल्यानाग को प्राप्त हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि चलो आपका गुजारा कैसे होता है? उसने कहा कि मैं यहाँ पर लोगों को जो है कई लोग जो है वहाँ पे मकान मकान खरीद के, अब उसको रहते तो है नहीं, रहते तो शहरों में, अब वहाँ पे मकान खरीद के लोगों ने डाल रखा है वृंदावन में। बड़ी अजीब सी बात है, मकान खरीद के और चाबियाँ कहते हैं कि लोगों ने मुझे पकड़ा दी हैं। तो फॉरेनर डिवोटीज आते हैं स्पेशली कार्तिक के महीने में, तो उन लोगों को वो मकान किराए पे वो रूम्स देता है डेली बेसिस पे, और कुछ पैसा वो फ्लैट के ऑनर्स को दे देता है और कुछ पैसा खुद रख लेता है। आई डोंट नो क्या परसेंटेज है क्या नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलो क्या है? तो उसने बड़े एक गर्व के साथ उसने मुझे बताया कि प्रभु मैं तो कार्तिक के महीने में 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए कमा लेता हूँ। अच्छा
तो मैंने कहा अच्छा उससे गुजारा हो जाता है तुम्हारा? तो उसने कहा गुजारा बस ऐसी है, मैंने एक फॉरेनर लड़की से शादी कर ली है, यहाँ पे रहता हूँ आराम से, और भोजन की दिक्कत नहीं है। मैं मंदिर आता हूँ रोज 9 बजे और इस्कॉन मंदिर में अपना प्रसाद पा लेता हूँ और एक डब्बा लेके आता हूँ, अपनी वाइफ का पैक करके ले जाता हूँ, बस दोनों का काम चल जाता है। और ये जो मैंने कार्तिक के महीने में पैसे कमाता हूँ, इससे हम अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, बहुत आराम से हम ब्रज का वास कर रहे हैं। अरे भाई ये क्या ब्रज का वास है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं ब्रज वास का मतलब है कि जो वृंदावन के जो जो ब्रजवासी हैं उनके चरण चिन्हों पे चलना, जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उनकी भगवान के प्रति शरणागति है, जो सेवा भाव है उसको अंगीकार करना, वो ब्रजवास है। ब्रजवास मतलब वो 84 कोस की सीमाओं में रहना अपने आप में ब्रजवास नहीं है। आप कहीं भी इस संसार में रह सकते हो, लेकिन अगर आप ब्रजवासियों के बारे में सोच रहे हो, वो कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं और आप उन ब्रजवासियों की कैसे सेवा कर सकते हो भगवान की सेवा और अच्छी तरह से करने में, तो वो ब्रजवास है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है। तो ऐसे अब चाहे उसको 15-18 साल हो गए होंगे, उसको 15-16 साल तो हो ही गए मेरे ख्याल से, तो मतलब क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? क्या ऐसे लोगों का संग करना चाहिए? ऐसे लोगों का संग करने से क्या हमें कुछ फ़ायदा होगा? क्या क्या वो लोग संग देने के लायक भी हैं कि नहीं है? अभी उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला हम यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि आखिर विषय और असत संग जो है, असत संग का त्याग करना क्यों रिकमेंड किया गया है? क्यों बोल रहे हैं नारद जी के त्याग कर दो? तो भगवद गीता में 2:44 के अंदर भगवान कृष्ण कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य से, जो इंद्र तृप्ति के साधनों से और आसपास जो ऐश्वर्य है, लोग हैं, सेवक हैं और रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो इन लोगों से प्रसक्ता नाम, एक तो आसक्त होता है, एक प्रसक्त होता है कि बहुत ही अधिक आसक्त हैं। तो क्या डिवोटीज जो हैं वो डिवोटीज फैमिली में क्या एक दूसरे से आसक्त होना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। डिवोटीज जैसे आप बाहर अपने परिवार के बाहर डिवोटी कम्युनिटी में जैसे आप लोगों से लव एंड अफेक्शन है सर्विस सेंटर में रख के, वैसे ही अपने परिवार में भी लोगों से आपका संबंध होना चाहिए, अपने परिजनों से होना चाहिए सर्विस को सेंटर में रख के, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करना वो अच्छी बात नहीं है। मार्गदर्शन देना एक अलग बात होती है, और उनसे आसक्ति हो गई, 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हो, वो इतनी बेसिकली अच्छी बात नहीं है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो बहुत ज़्यादा आसक्त हैं भोगों से, ऐश्वर्यों से, घर वालों से, तया अपहृत चेतसाम, उनकी जो ये जो आसक्ति है वो उनकी चेतना का अपहरण कर लेती है। चेतना का अपहरण कर लेती है का क्या मतलब होता है? जैसे जो अपहृत व्यक्ति है, इसको किडनैप कर लिया किसी को, आपने उसको देखा होगा कि अगर किसी को किडनैप कर लिया 95% तो मार ही देते हैं उसको, अगर फिरौती विरौती मांग ली तो फिरौती लेने के बाद भी मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? वो पहचानने की पॉसिबिलिटी होती है कि इसने किडनैप किया था, क्योंकि आमतौर पर किडनैप जो है वो जान पहचान के लोग ही करते हैं। ऐसे ही हमारी चेतना का अपहरण भी हमारे जान पहचान के लोग ही करते हैं, और आमतौर पर जैसे 95% केसेस में जो किडनैपर है वो, जिसको किडनैप किया विक्टम,
उसको मार ही देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। ऐसे ही 95% केसेस में जो हमारे आसपास के, जो हमारे जान पहचान के इवन इन डिवोटीज, वो उसको उसको चेतना का अपहरण कर लेते हैं और उसको जान से मार ही देते हैं उसको। लगभग कोई एक आधा बिरला जो भगवान का बहुत प्यारा भक्त है वो बचेगा, बाकी सबका काम तमाम हो रहता है। जो उनके सुख हैं, जो ऐश्वर्य हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, वही मार देते हैं उसको जान से, उसकी चेतना को अपहृत कर देते हैं, बिल्कुल असहाय बना देते हैं। जैसे हाथ पैर बांध कर, आँखों पे पट्टी बांध कर उसको जैसे रखते हैं, कोई मनचाहा भोजन नहीं देते, जो उनके मन में आएगा वो करेंगे, उसको धुतकारेंगे, लताड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। यही भोग और ऐश्वर्य जो जब हमारी चेतना को अपहृत कर लेते हैं, जब उसको किडनैप कर लेते हैं, तो यही काम जो है वो हमारे घर वाले, हमारे जान पहचान के, हमारे बंधु बांधव मित्र, और जो हमारे घर संपत्ति, कार गाड़ी बंगला, ये सब यही काम हमारी चेतना के साथ करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, और बोल रहे हैं कि जब चेतना को अपहृत कर लिया, जब चेतना को किडनैप कर लिया, उसको कहीं और जाना था, कहीं और उसको लेके चले गए, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो ना विधीयते, कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना का अपहरण ही कर लिया, तो क्या तकलीफ है? व्यवसायात्मिका बुद्धि, कि उसकी जो व्यवसायात्मिका बुद्धि की एक जो बिजनेस लाइक बुद्धि होती है, जो इंटेलिजेंट एफिशिएंट बुद्धि होती है, क्या करना है क्या नहीं करना, किससे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, किस में नुकसान होगा, उसको पूरी क्लैरिटी रहती है उस व्यक्ति को, जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं। जैसे इस संसार का सबसे धनी इन्वेस्टर जो है वॉरेन बफेट, तो एक बार किसी ने उससे पूछा कि पूरी दुनिया तो आपसे सलाह लेती है, आप किस स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, कहाँ से विड्रॉ कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में आप पैसा लगा रहे हो, किस सेक्टर में आपको लगता है कि आगे ग्रोथ आएगी, तो सब लोग तो आपसे सलाह लेते हैं, आप किससे सलाह लेते हो? तो वॉरेन बफेट ने कहा कि भैया मैं किसी से सलाह नहीं लेता, अगर मैं किसी से सलाह लेना शुरू कर दिया इसका मतलब कोई और मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर तो वही वॉरेन बफेट बन जाएगा, फिर मैं कैसे वॉरेन बफेट रहूँगा, फिर तो कोई मेरे से आगे निकल जाएगा। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, उसको पूरी क्लैरिटी होती है जो बिजनेस करता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो एफिशिएंट बुद्धि है, ये जो कुशाग्र बुद्धि है, ये तया अपहृत चेतसाम, जिसकी चेतना का अपहरण हो गया है, वो समाधो ना विधीयते, उसके अंदर कभी उजागर नहीं होगी, कभी प्रकट नहीं होगी, हमेशा मंद बुद्धि रहेगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि की डेफिनेशन भगवान कृष्ण भगवद गीता में दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बुद्धि दो तरह की होती है, एक व्यवसायी और एक अव्यवसायी। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं कि 2:41 में ही भगवान कह रहे हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धिर एक हा गुरुनंदना, कि जो व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है ये वन पॉइंटेड होती है, कि मुझे ये अचीव करना है, मेरे को ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ऐसे नहीं चलता उसका दिमाग। व्यवसायात्मिका बुद्धि बोलेगा भैया ये करना है, अब चाहे इसके लिए जान देनी पड़े यही करूँगा, और इसके बगैर कुछ और दिमाग लगाऊंगा नहीं मैं। तो भगवान कह रहे हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है, एक यह गुरु नंदना है अर्जुन, उसकी वन पॉइंटेड एक एकाग्र बुद्धि होती है, उसकी एक ही डायरेक्शन में एक चीज़ को सोच लेता है, मन में ठान लेता है कि यही करूँगा, और लेकिन बहुशाखा ही अनंताश्च। और उसके विपरीत जो अव्यवसायी होता है बोलते हैं बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, लेकिन जो अव्यवसायी व्यक्ति होता है, जो जो जिसका गोल क्लियर नहीं है,
अच्छा ये करना है, चलो ये कर लेता हूँ, वो करना चाहिए, चलो वो कर लेता हूँ। ऐसे व्यक्ति जिनको क्लैरिटी नहीं है कि ह्यूमन लाइफ क्या है, ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है, आप कैसे अपने लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो, क्या कंट्रीब्यूट करें क्या कंट्रीब्यूट नहीं करें, जब इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको बोलते हैं अव्यवसायी बुद्धि। तो भगवान कह रहे हैं कि व्यवसाय बुद्धि और अव्यवसाय बुद्धि, ये दोनों में डिफरेंस है। वो एकाग्र होता है और यहाँ पे वो 24 दिशाओं में भागेगा और हासिल बेसिकली कुछ नहीं कर पाएगा वो। क्यों कह रहे हैं कि विषय की जो विषय त्याग के बारे में, वो क्यों नारद जी कह रहे हैं कि विषय का त्याग करना जरूरी है, ध्याय तो विषयान पुंगा संगतेषु उपदायते, कि जब आप विषयों का ध्यान करते हो, जिन विषयों का ध्यान करते हो उसके अंदर आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब चलो ठीक है, हम विषयों का ध्यान नहीं करते, अगर आप विषयों का ध्यान नहीं करोगे तो भी बहुत मुश्किल है विषयों से आसक्ति हटाना। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं यत तो ही अपि कौन्तेया, कि हे कौन्तेया, हे अर्जुन, कोई यत्न भी करेगा, कोई प्रयास भी करेगा, पुरुषस्य विपश्चिता। विपश्चित होता है विवेकी पुरुष, जिसको एग्जैक्टली पता है क्या सही है क्या गलत है, डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है उसके पास में, बेसिकली व्यवसायी व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी अरे गहरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि किसी की बात कर रहे हैं करोड़ों लोगों की। दुर्लभा जो मनुष्य नाम सहस्त्रेशु कश्चित यते ते सिद्धये, हजारों की बात नहीं कर रहे, हजारों में से एक की बात कर रहे हैं। अब प्रभुपाद तो कह रहे हैं अब तो ये सहस्त्रेशु मिलियनेशु हो चुका, अब तो लाखों में से एक की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इतनी डिग्रेडेशन हो चुकी है, इतना पतन हो चुका है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो विपश्चित पुरुष है, जो विवेकी पुरुष है, यत तो ही अपि कौन्तेया, वो यत्न भी करेगा तो भी वो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, जब तक उसकी विषय वस्तु को छोड़ भी दिया उसने, विषय वस्तु को ध्यान करा, नहीं लगाऊंगा ध्यान विषय वस्तु पे, तो भी वो सफल नहीं होगा। क्यों सफल नहीं होगा? भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि प्रमाथिनी, जो इंद्रियां बहुत प्रमाथिनी है, बहुत चंचल है, बहुत जिद्दी है, बलवत दृढ़, इतनी जिद्दी है कि आप उसको बोलोगे ना ओ ये काम नहीं करना, अब तो भैया यही करेंगे काम। आप नेगेटिव साइकोलॉजी नहीं लगा सकते, चलो ये काम करते हैं, हाँ चलो ये काम करते हैं, ये काम नहीं करना, अब तो यही करेंगे। दोनों तरह से बंदा जो है फंस जाता है उसके अंदर, नेगेटिव साइकोलॉजी काम नहीं कर रही, पॉजिटिव साइकोलॉजी काम नहीं कर रही, बंदा करे तो क्या करे। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना, प्रसभम मतलब जबरदस्ती, पूरा वेग लगा के, जब वेग आता है तो व्यक्ति कुछ भी उल्टा सीधा काम कर देते हैं। सोच के बैठा है नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन प्रसभम एक वेग आएगा, इंद्रियों का ऐसा वेग आएगा, सारे बांध तोड़ देगा, उड़ा के ले जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो विपश्चित पुरुष है, जो विवेकी पुरुष है, वो यत्न करेगा, वो प्रयास करेगा तो भी इंद्रियां उसको जबरदस्ती नीचे गिरा देंगे, और जो प्रयास ही नहीं कर रहा उसका तो बेसिकली कहना ही क्या। हमारे शास्त्रों में उदाहरण ही उदाहरण भरे पड़े हैं। सुबारी मुनु है, सुबारी मुनु ने बोला भैया बाहर रहूंगा पृथ्वी पे, पृथ्वी के जो धरातल है उससे ऊपर रहूंगा तो कुछ ना कुछ देखूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा, पानी में चले गए, पानी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पानी में रह के वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं, दो मछलियों को संभोग करते देखा, मन विचलित हो गया, बाहर आए, राजा के पास गए, उसकी 50 पुत्रियों से विवाह कर लिया और रहना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ? प्रसभम पूरा जबरदस्ती जो है वो भोग में
लगा देंगे जो हमारे एक तो विषय वस्तुओं का आकर्षण अपना है और इधर से इंद्रियों का आकर्षण इतना प्रबल है, बचना बड़ा मुश्किल है। विश्वामित्र को देखो, हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, मेनका की एक बार पायल के चन आवाज आई, बस फंस गए। तपस्या एक तरफ, मेनका एक तरफ। इतना बेसिकली कठिन है कि क्या बोले। दुर्वासा मुनि है, दुर्वासा मुनि को आप देख लो, जरा सी बात हुई महाराज अम्बरीश पे गुस्सा आ गया, क्रोध हो गया, मारने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अगर प्रसभ अगर अगर विपश्चित अगर विवेकी व्यक्ति है, वो किसी को मारने का क्यों प्रयास करेगा। विवेकी व्यक्ति के पास तो सबसे पहली बात जो विवेकी व्यक्ति के दिमाग में आती है, विनम्रता। सबसे पहली बात जो विवेकी व्यक्ति के मन में आती है, ये दूसरे का हित की बात करनी है, क्रोध की तो बात ही नहीं आती। वो क्रोध करेगा जो विवेकी पुरुष है, कि वो क्रोध करेगा भगवान की सर्विस के लिए, जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया। अदरवाइज क्रोध के चक्कर में जो है वो डिवोटीज बेसिकली वो पढ़ते नहीं हैं। दूसरी तरफ महाराज अम्बरीश हैं, कोई गलती नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी वो उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं और महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दोनों में आप फर्क देखो, दोनों में फ़र्क देखो। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, देखो आपका जो मन है एक नाव की तरह है, आपकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां आपकी चल रही हैं, इंद्रियां पानी की तरह हैं, तो पानी के ऊपर नाव चल रही है, ऊपर ठंडी ठंडी हवा बह रही है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये जो ऊपर जो हवा चल रही है, ये जो आसक्ति रूपी हवा है, जैसे ही वो इंद्रियों में प्रवेश करेगी, वैसे ही तूफान आ जाएगा और तूफान के अंदर बड़ी से बड़ी नौका, मजबूत नौका भी डूबने का खतरा रहता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो प्रयास ही नहीं कर रहे भाई, उसकी क्या बात करूं, जो कर रहे हैं उनका भी बेसिकली फॉल डाउन हो जाता है, वो भी नीचे गिर जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हम ज़बरदस्ती रोक सकते हैं उसको, मन को, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन चलो हमने ये भोग नहीं करना, लेकिन फिर भी हमारे मन में वो वासना रह जाती है हमारे मन के अंदर, कि वो जैसे ही हमें मौका मिलता है वैसे ही हम उस वासना को जो है हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं 269 में कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, कि आप अपने इंद्रियों को निराहार रख सकते हो। आप बोल सकते हो नहीं करूँगा भोग, नहीं करूँगा ये चीज़ें, नहीं करूँगा ये चीज़ें करूँगा बस, तो आप उसको रोक सकते हो विषयों का भोग करने के लिए, अपने इंद्रियों को निराहार रख सकते हो, मतलब इंद्रिय भोग से उसको रोक सकते हो। लेकिन रस वर्जम रसोपि अस्या, लेकिन जब हम इंद्रियों को रोक भी लेते हैं तो हमने रस वर्जन कर दिया, नहीं आपको विषय वस्तुओं का आस्वादन करने देंगे। रस वर्जन करने पर भी रसोपि अस्या, तो भी उसको भोगने की कामना हृदय में सुरक्षित रहती है। रस वर्जन करना एक बात होती है और अपने हृदय में उसको भोगने की कामना ही बंद करना दूसरी बात है। एक बार एक डिवोटी से मैं बात कर रहा था, वो आ रहा था कलकत्ता से दिल्ली और ट्रेन में सफ़र कर रहा था। जब वो दिल्ली पहुंचा, कह रहा है प्रभु जी बड़ा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ भाई, ट्रेन में सीट नहीं थी? कह रहा नहीं, रिजर्वेशन थी, हर चीज़ थी, और दशहरे के दिन आ रहा था, वो विजयदशमी के दिन, तो वो कई ग्रुप था पूरा उनका, और पूरा ग्रुप ट्रेन से आ रहा था यहाँ पर। और जब यहाँ पर वो ट्रेन में बैठे, तो आपको पता है विजयदशमी नवरात्रों के अगले दिन होती है, कि जो 9 नवरात्रि ख़त्म हो गई, विजयदशमी शुरू होगी, और नवरात्रों में लोग जो है बड़े से बड़ा मांसाहारी व्यक्ति एटलीस्ट हिंदुओं के अंदर मांस खाना छोड़ देता है। अब बंगालीज तो बेसिकली
मांस खाने के लिए फेमस ही है। कोई बहुत ही धार्मिक बंगाली होगा, कम से कम मछली तो खा ही लेगा, मछली को तो जल ककड़ी समझते हैं बेसिकली वो। तो उसने बताया कि पूरे ट्रेन के अंदर लोग बस मांस ही खाए जा रहे थे। क्यों मांस खा रहे थे? क्योंकि 9 दिन हो गए हमें, हमने मांस नहीं खाया, हमारा दिमाग खराब हो गया। अरे भाई, 9 दिन तक क्यों दिमाग खराब करते रहे, खा ही लेते। 24 घंटे तुम नॉन वेज के ऊपर मेडिटेट कर रहे हो, क्या पॉइंट है आपका? उससे अच्छा तो खा ही लेते, कम से कम एक तरफ तो हो जाते। रस वर्जम, आपने रस को वर्जित कर दिया, लेकिन हृदय में तो आपकी इतनी प्रबल इच्छा थी खाने की। जैसे दिल्ली में भी मैं देखता हूँ कि जैसे नवरात्रि ख़त्म होते हैं, साल में 2 दफ़ा आती हैं, जैसे नवरात्रि ख़त्म होंगे वैसे ही सबसे पहले लोग 2 काम करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि ख़त्म होते ही दौड़ते हैं फुल स्पीड से, मतलब रुकते नहीं, कहीं पे ब्रेक नहीं लगाते। वो 2 काम करते हैं। पहला काम कि जाएंगे शराब की दुकानों पे लाइन लगा लेंगे, शराब की बोतलें खरीदेंगे, और दूसरा काम वही मांस मांस खाने के लिए कि 9 दिन हो गए हमने शराब नहीं पी, हमने मांस नहीं खाया। रस वर्जम रसोपि अस्य, कि आपने रस का वर्जन कर दिया फिर भी आपके हृदय में इतनी प्रबल इच्छा है मांस खाने की, तो मतलब फिर हो क्या रहा है? कैसे कैसे इसको ब्लॉक किया जा सकता है? कैसे रस वर्जन तो चलो कर दिया, लेकिन ये जो भोगने की इच्छा है इसको कैसे रोका जा सकता है? तो भगवान कृष्ण इसी श्लोक में बोल रहे हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, कि अगर एक हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट छोड़ देगा व्यक्ति। अगर व्यक्ति को एक श्रेष्ठ, एक बेटर, एक रस मिल गया, जैसे अगर किसी को बटर नान मिल गया, वो सूखी रोटी क्यों खाएगा भला? अगर हार्ट का मरीज नहीं है तो, हार्ट का मरीज है तो उसको सूखी रोटी खानी पड़ेगी। तब भी रस वर्जम रसोपि अस्य, रस वर्जित कर दिया फिर भी हृदय में इच्छा रहती है। अदरवाइज एक बार मैं कलकत्ता में था, तो किसी मैं अपने कुलीग के साथ में कलकत्ता एयरपोर्ट के पास ही हल्दीराम की मिठाई की दुकान है, तो वहाँ पर हम दोनों गए। तो उसका वो कह रहा था कि मैं मेरा मेरा मतलब रूल है ये कि मैं जब भी कलकत्ता आता हूँ तो दिल्ली वापस जाते समय मैं रास्ते में एक बार ज़रूर यहाँ पे रुकता हूँ और घर वालों के लिए यहाँ से मिठाइयाँ खरीद के लेके जाता हूँ। मैंने कहा, यार बड़ा कमाल का रूल बनाया हुआ तूने, तूने कभी ये रूल नहीं बनाया कि मैं अगर कलकत्ता जाऊँगा तो मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊँगा, गंगा में स्नान करने के लिए जाऊँगा, ऐसा कोई रूल नहीं बनाया तूने। मैं हल्दीराम से मिठाई का डिब्बा खरीद के घर वालों के लिए लेके जाऊँगा, ये रूल बना लिया तूने, बड़ी कमाल की बात है। तो खैर हम दोनों दुकान के अंदर गए, तो वो इतना बेवकूफ़ था वो व्यक्ति, और उसकी लाखों रुपए महीने की उसकी सैलरी थी, करीब कम से कम नहीं तो 5-6 लाख रुपए महीने की सैलरी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2007-08 की, उस समय उसकी 5-6 लाख रुपए महीने की सैलरी हुआ करती थी उसकी, और करीब उसकी 55-60 51-1 साल की उम्र थी उसकी। काफ़ी सीनियर था मेरे से, 15-17 साल बड़ा था मेरे से उम्र में। तो मेरे को कहता है कि मैं तो जब जब मेरे को सैलरी मिलती है तो मैं तो सारे पैसे जो है वो अपनी वाइफ को दे देता हूँ। तो कह रहा, कई बार मेरी वाइफ एक बार मेरी वाइफ मेरे पास आई, उसने बोला कि मैंने तो मेरे मैंने ये कोई फलाने कोई बेकार सी कीमती चीज़ उसने खरीदनी। तो मैंने उसको बोला, यार वो तो बेकार सी चीज़ है, वो मतलब खरीद ली तो उसने, ये तो मतलब कोई अकलमंदी की बात नहीं है। तो उसने कहा, मुझे क्या, मेरा क्या नुकसान है, उसी के पैसे खराब हुए मेरे खराब पिल तू रहा है कमाने के लिए, और तू ये सोच रहा है कि वो अपना नुकसान कर रही है तेरा पैसा खर्च करके
इसे बोलते हैं अविपश्चित, कि अविवेकी व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है कि भाई क्या मतलब सही है क्या गलत है। बिल्कुल अजीब सी बातें हैं। एक डिवोटी को मैं जानता हूँ, बोलता है कि मैं जो कमाता हूँ मैं जाके मंदिर में रख देता हूँ वहाँ पे। वहाँ से, मैंने पूछा वहाँ से क्या होता है, वहाँ से मेरी बीवी उठा के खर्च लेती है वो। मैंने कहा तो कुछ भविष्य के लिए कुछ जोड़ा? अरे नहीं, मैं वहाँ पर रख देता हूँ, उसी को पता है जो पता है। अरे भाई, घर का मुखिया तू है, तुझको पता होना चाहिए था ना कि आखिर चल क्या रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। तेरे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। अविपश्चित व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसी बेसिकली घटिया बात करते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि हल्दीराम के अंदर कि वहाँ पे कई उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए थे, और एक सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ था डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो मेरे फादर उस समय जीवित थे, तो मैंने सोचा यार देखता हूँ ये क्या चीज़ है डायबिटिक पेशेंट की। वहाँ पे मैंने देखा सारी मिठाइयाँ, रसगुल्ले वहाँ, गुलाब जामुन वहाँ, दुनिया भर की मिठाइयाँ का पड़ी हुई थी। मैंने कहा भाई ये डायबिटीज़ डायबिटिक पेशेंट के लिए भी कह रहे हो, और तुमने ये रसगुल्ले गुलाब जामुन भी रखे हैं, ये क्या चल रहा है? चमचम और ये सब चीज़ें, रसमलाइयाँ रखी हुई थी, और मोतीचूर के लड्डू। उसने कहा ये जो है, जो डायबिटिक पेशेंट है जो चीनी नहीं खा सकते, हमने शुगर फ्री से ये बनाई हुई है। मैंने कहा अरे भाई बिल्कुल, यहाँ तो रस वर्जन की जो बात है वो तो रस वर्जन भी नहीं लोग कर रहे, बीमारी हो गए उसके बाद भी रस वर्जन नहीं कर रहे, जबरदस्ती पता है कि नहीं खाने चाहिए फिर भी दौड़ेंगे 10 गुना ज़्यादा पैसा करें। मैंने कहा अच्छा ये कितने की है? जो नॉर्मल मिठाई है अगर 200 रुपये किलो है, वो 500 रुपये किलो है। 500 रुपये किलो क्यों है? क्योंकि हमने इसमें शुगर फ्री डाला हुआ है। अब आप 3 गुना 4 गुना पैसे खर्च के रस वर्जन आपसे अपने आप को बचाने के लिए वो पैसे उठा के खर्चना शुरू कर दो। तो ये जो वृत्ति है, ये जो वृत्ति है इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करने की, भगवान कृष्ण कह रहे हैं परम दृष्टवान निवर्तते, ये जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक लोअर टेस्ट आप कभी नहीं छोड़ पाओगे। हायर टेस्ट के पीछे जाओ तो लोअर टेस्ट छूटेगा। जब आप एक गिलास है, वो गिलास खाली है, खाली इन देंस उसके अंदर हवा भरी हुई है, अगर आप उसमें दूध डालोगे तो नेचुरली हवा बाहर निकल जाएगी। जब कोई श्रेष्ठ चीज़ आएगी तो निकृष्ट वस्तु को उठा के धक्के मार के उसको बाहर निकाल देगी। इसका हमें दक्षिण भारत में एक उदाहरण मिलता है रामानुजाचार्य जी के जीवन चरित्र में, कि एक व्यक्ति था, वो पहलवान टाइप व्यक्ति था, उसकी बीवी बहुत सुंदर थी, एटलीस्ट उसको लगती थी सुंदर। अब पता नहीं एक्चुअली में क्या था, क्योंकि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, तो उसको अपनी पत्नी बहुत सुंदर लगती थी, 24 घंटे उसी को एकटक देखता रहता था। एक बार उसकी पत्नी ने बोला कि सुनो मुझे ना वो यहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही है भगवान कृष्ण की, तो जरा मुझे भी वो देखने जाना है। तो कह रहा बहुत धूप है बाहर। अच्छा चलो तुम्हारा मन है तो ले चलता हूँ। ले गया साथ में छतरी ले गया, और उसको धूप से बचा रहा है, और वो शोभा यात्रा को देख रही है, भगवान को देख रही है, ये उसी को देखने में लगा हुआ। रामानुजाचार्य ने जब उसको देखा तो दया आ गई उसके ऊपर, दया आ गई। तो उन्होंने उसको, उसके पास गए, उसको बोला भाई क्या कर रहा है तू, तेरे यहाँ से भगवान स्वयं चल के आ रहे हैं, तू अपनी बीवी को देखने में तुला हुआ है। तो उसने कहा कि मैं मतलब मेरी बीवी है इतनी सुंदर, मैं क्या करूं, मेरी नज़र ही नहीं हटती। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि अच्छा अगर मैं तेरे को इससे भी सुंदर वस्तु दिखा दूं तो फिर क्या करेगा? कह रहा फिर पूरा जीवन आपकी गुलामी करूंगा, मैं पूरा जीवन उस सुंदर वस्तु की सेवा करूंगा। तो रामानुजाचार्य उसका हाथ पकड़ के उसको ले गए भगवान की पालकी के पास, और उसने बोला अब तुम भगवान की आँखों के दर्शन करो। और जब उसने भगवान कृष्ण की आँखों के दर्शन किए, और रामानुजाचार्य ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान आप प्लीज़ इसको अपनी सुंदरता
ये आपकी सुंदरता देख पाए, प्लीज आप ऐसी दया कीजिए। तो उस व्यक्ति ने ऐसे भगवान की आंखों को देखा, बस उसी में डूब गया, वो उसी से आकर्षित हो गया। अब उसका अपने जो पत्नी में उसकी अब आसक्ति नहीं रही, अब वो जो है भगवान के सेवा के प्रति आकर्षित हो गया। रामानुजाचार्य ने उसको दीक्षा दी, उसका नाम धनुर्दास रख दिया। अब वो ऐसा डिवोटी बन गया वो, कि रामानुजाचार्य अपने सन्यासी शिष्यों से भी ज़्यादा उसकी प्रशंसा करते थे। तो बल्कि एक बार वो सन्यासी शिष्य जो है बड़े गुस्से में भी आ गए थे, ये क्या हो रहा है, पक्षपात चल रहा है यहाँ पर, ये गृहस्थ लोगों को ज़्यादा, जो रामानुजाचार्य हैं ज़्यादा उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने एक दिन धनुर्दास को मठ में रोक लिया और अपने शिष्य को बोला, जाओ जाके इसके घर पे इसकी पत्नी के पास जेवर हैं वो चोरी करके ले आओ। तो वो गए तो पत्नी सोई हुई थी, वो सोई हुई थी। तो जो उनके जो शिष्य हैं उन्होंने उसके शरीर से ज्वेलरी जेवर उतारने शुरू कर दिया, भूषण। और जैसे ही तो हाथ लगाया उसकी आँख खुल गई, लेकिन चुप करके पड़े रही वो सुन एकदम। उसने देखा ये तो हमारे मठ के डिवोटीज हैं। तो उसने मन में सोचा कि जरूर जो है मठ में कोई विपत्ति होगी, पैसों की कमी होगी, तभी ये लोग ऐसा आचरण कर रहे हैं, इनमें इनका कसूर नहीं है, ये तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो चुप करके पड़ी रही वो। तो एक तरफ के आभूषण उतार लिए, अब दूसरी तरफ के आभूषण कैसे दूँ। तो उसने कहा चलो मैं पलटी मार देती हूँ, तो दूसरी तरफ के आभूषण भी आराम से उतार लेंगे वो। तो उसने जैसे ही पलटी मारी वो डर गए, चोर के पैर नहीं होते ना, वो डर गए और भाग गए वहाँ से। जब वो शिष्य वापस पहुँचे मठ में, तो रामानुजाचार्य ने धनुर्दास को बोला, भाई तू जा अब घर पे, तेरा काम हो गया। अब वो घर पे जा रहा था तो सन्यासियों को, अपने शिष्यों को वापस उसके पीछे भेजा कि जाओ देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसकी पत्नी बड़ी चिंता में बैठी हुई थी। उसने कहा क्या हुआ, तुम्हारा मुँह क्यों उतरा हुआ है। तो उसने धनुर्दास की पत्नी ने बोला कि मठ के कुछ डिवोटीज आए थे, चोरी कर रहे थे वो, तो उन्होंने एक तरफ के तो जेवर उतार लिए थे, तो मैंने उनको सुविधा देने के लिए जैसी मैंने पलटी मारी वैसे वो बेचारे डर के भाग गए और दूसरी ओर के जेवर नहीं ले जा पाए। मैं बड़ी असावधान रही, तो मुझे तब से बड़ी ग्लानि हो रही है कि मैं ठीक से सेवा नहीं कर पाई। और धनुर्दास ने उसको 3600 उसको तो गालियाँ दी कि तेरे को कर ली है, तेरे को तू आराम से करवट नहीं ले सकती थी ऐसी मतलब बात जब की, तो सन्यासियों को जो ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य हैं उनकी आंखें खुल गई, उनकी ये क्या हो रहा है। तो परम दृष्टवा निवर्तते थे, एक बार जैसे ही एक बार श्रेष्ठ सुख मिल जाएगा, वैसे ही जो निकृष्ट सुख है वैसे ही उसको त्याग कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद ये जो श्लोक है 259 भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक की परम दृष्टवा निवर्तते, इसमें श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो जैसे जो ये स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं, जैसे अष्टांग योग है, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो है ये कम अकल लोग जो हैं, जो बेवकूफ़ मूर्ख लोग हैं, उनके लिए इनकी संस्तुति की जाती है, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसने भगवान कृष्ण की सुंदरता जिसने एक बार चख ली, वो ये डेड मटेरियल भौतिक वस्तुओं के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं रह जाता, फिर बात नहीं बनती। भागवतम 1.6.36 में बताया गया है कि ठीक है कि व्यक्ति अपनी जो इंद्रियों को संयमित करता है, उसको रोकता है, रस वर्जन कर देता है कि नहीं करना, अब हम भोग नहीं करेंगे, त्याग के अंदर रहेंगे। तो भागवतम के 1.6.36 में बोल रहा है कि जो व्यक्ति योग पद्धति के द्वारा
जो है वो अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करता है। बात सही है कि वो काम वासना से और आसक्ति से जो उत्पन्न जो तकलीफें हैं, जो कष्ट हैं, उससे वो छुटकारा पा जाता है, इस बारे में कोई शंका नहीं है। लेकिन लेकिन ये जो चीज़ है, जो रस वर्जन है, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है आत्मा को सुख देने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आत्मा को सुख देने के लिए ये बेसिकली महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो सुख है ये तो केवल भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होता है। तो इंद्रियों को संयमित करना एक बात है और भगवान की सेवा करना दूसरी बात है। निषेध से आप कष्टों से तो मुक्ति पा जाओगे, लेकिन आत्मा को जो सुख चाहिए, जिस सुख की तलाश में भटक रही है आत्मा, वो सुख तो केवल और केवल भगवान की सेवा से ही मिलेगा। यमुनाचार्य परम दर्शवाणी वर्तिते के ऊपर यमुनाचार्य कह रहे हैं, यद अवधि मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुमासीत, के जितना ही मैं कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहकर भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाता हूँ, हर क्षण नए नए रसों का मैं आस्वादन कर पाता हूँ, हर क्षण मुझे नवीन रसों का आस्वादन अनुभव होता है। तद अवधि बत नारी संगमे स्मरे माने, और उस समय अगर स्त्री संघ के बारे में अगर मेरे मन में विचार आ जाए तो भवती मुख विकारः सुष्ठु निष्ठी वनम चा, तो मेरा मुंह कसैला हो जाता है, ऐसे जैसे मुंह में कसैली कोई वस्तु स्वाद आ जाए तो एकदम व्यक्ति ऐसे मुंह टेढ़ा बनाता है, वैसे ही यमुनाचार्य श्री यमुनाचार्य कह रहे हैं कि स्त्री संघ का ध्यान आते ही मेरे जो मुख है उसमें कसैलापन आ जाता है। तो बात बात यह है कि जब हम स्त्री संघ की बात कर रहे हैं तो वेल यहाँ पर बोला है कि असत संग जो संग त्यागात, कि असत संग का त्याग कर देना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु का बहुत फेमस शिक्षा भी है कि असत संग त्यागाय वैष्णवाचार्य वैष्णवाचार स्त्री संगी एक साधु कृष्ण अभक्तार, कि असत संग त्याग करना ही वैष्णवों का आचरण है। और उन्होंने बोला कि असत संग क्या है, उन्होंने बोला दो तरह के असत संग है, पहला असत संग है कि स्त्री का संग नहीं करना, और उन्होंने बोला दूसरा असत संग है कि कृष्ण अभक्त जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, जो अवैष्णव है, उनका संग करना, ये दोनों असत संग है, इनका त्याग कर देना चाहिए। तो जब हम स्त्री संग त्याग की बात करते हैं तो क्या, तो फिर गृहस्थ भक्तों का क्या होगा बेचारों का, वो तो स्त्री के साथ ही रह रहे हैं, तो उनके बारे में क्या विचार है, उनका क्या होगा, क्या वो कभी कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर श्री भक्त्यालोक में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि स्त्री संघ जो है वो बेसिकली जब स्त्री संघ त्याग की बात करते हैं, अवैध स्त्री संघ की जब बात होती है तो अवैध स्त्री संघ दो तरह का होता है, पहला अपने विवाहित जीवन से बाहर जाकर किसी स्त्री से संग करना, और दूसरा विवाह के अंदर अपनी पत्नी के साथ ही शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध जाकर उसका संग करना। तो उन्होंने बोला ये दोनों असत संग है, अगर कोई शास्त्रों के नियमों के अनुसार विधि विधान से अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी पत्नी का अगर संग कर रहा है, अगर पत्नी पति की सेवा कर रही है और पति भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न है, तो ये बिल्कुल प्रमाणिक है, इसका कहीं भी निषेध नहीं है। और जब बात हो रही है कृष्ण जो कृष्ण अभक्त हैं, तो भक्तिनोद ठाकुर वेल कृष्ण भक्त हम सबको पता है कि स्त्री संगी संगस्या, कि जो स्त्रियों का संग करता है, जो जो स्त्री योषित संगी संगस्या स्त्री संगी संगस्या, यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो योषित शब्द है और जो स्त्री शब्द है ये बेसिकली सेंस ग्रेटिफिकेशन का प्रतीक है, कि स्त्री शब्द का स्त्री
का अर्थ स्त्री तो है ही। स्त्री शब्द के जो योषित शब्द है वो उसका मतलब स्त्री भी है और योषित शब्द का मतलब इंद्रिय तृप्ति के विषय वस्तुएं भी हैं। तो जो विषय वस्तुओं का संग कर रहा है, जो विषय वस्तुओं के अंदर ही बेसिकली घुसा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो श्री भक्त्यालोक में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि स्त्री संगी संगस्य, अगर स्त्री संगी व्यक्ति का, कृष्ण भक्त का अगर हम संग करेंगे, तो उसका संग करने से हमारे मन में साधु निंदा करने की प्रवृत्ति आ जाती है। और आप देख लो, जो व्यक्ति भी आप भक्तों का संग करेगा, चाहे उसने वैष्णव ड्रेस डाली हुई है चाहे नहीं डाली हुई, वो साधु निंदा करेगा ही करेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने धोती कुर्ता डाला हुआ है तो ये तो भैया कृष्ण भक्ति है, ये असत्संग में ये नहीं आता। आपको देखना पड़ेगा, भक्तिनोद ठाकुर ये चेतावनी दे रहे हैं कि संग करने के लिए आपको पहले शास्त्र चक्षु से देखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है या उत्तम अधिकारी है। ऐसा नहीं है इसने धोती कुर्ता डाला है बस उसके पैर पकड़ लो और उसका संग करना शुरू कर दो, नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें किसका संग किस हद तक हमने करना है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्तिनाथ ठाकुर इस बात की संस्तुति कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर अगर हमने असत्संग किया, असत्संग हमें नरक की ओर लेके जाएगा, और जो सत्संग है, सत्संग का मतलब जो भक्तों का संग है, वो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। भगवान कपिल भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 20वें श्लोक में यही बात अपनी माता देवहूति को बोल रहे हैं। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु, जो विदु हैं, जो 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 कवि हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जो प्रसंगम, जो आसक्ति है, ये आसक्ति जो विषय वस्तुओं में आसक्ति है, ये अजरम पाशम, अजरम पाशम। अजरम शब्द को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो अजर शब्द का मतलब है कि कभी टूटेगा ही नहीं, जो जर नहीं होगा, जो क्षीण नहीं होगा, मजबूती से उरु दाम नहीं पत्था, जो बड़ी मजबूती से बंधा ही हुआ है, टूट ही नहीं रहा, अजर शब्द। इसलिए प्रभुपाद ने इसकी ट्रांसलेशन की है, जो बहुत ही मजबूत है ये, तो जो टूट ही नहीं रहा। क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि बहुत ही मजबूत है ये जो पाश है, ये जो बंधन है, ये आपको हिलने नहीं देगा। अगर अगर हमने प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु, ये आत्मा को जो है भौतिक संसार में बांध के रखेगा संसार चक्र के अंदर। लेकिन भगवान कपिल कह रहे हैं कि यही जो आसक्ति है, यही जो प्रसंगम है, स एव मतलब यही जो प्रसंगम है, यही जो आसक्ति है, स एव साधुषु कृतो, अगर उसको साधुओं में निवेशित कर दिया, अगर उसको भगवान के भक्तों में अगर निवेशित कर दिया, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो उससे अपावृतम खुल जाता है, पर्दा हट जाता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार का पर्दा हट जाता है, पट खुल जाते हैं, आराम से आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसीलिए एक ऋषि हुए हैं, बड़े महान ऋषि, कात्यायन ऋषि, और उन्होंने, महर्षि कात्यायन ने कात्यायन संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा है, और उसमें वो बोल रहे हैं, वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति, कि वरम श्रेष्ठ है कि मैं अपने आप को एक लोहे की सलाखों से एक पिंजरे में अपने आप को बंद कर लूं और चारों तरफ आग लगा दूं और उसमें जल के मर जाऊं। ऐसा
कात्यायन महर्षि कह रहे हैं, असत संघ के प्रति इतना वो उसके प्रति इतने डरते हैं वो असत संग से, और वो कह रहे हैं कि वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति, कि मैं पिंजरे में स्थित होकर चारों तरफ से आग लगा के जल के मर जाऊंगा, वो श्रेष्ठ है किसके तुलना में, न शौर्य चिंता विमुख जन संवास वैश्य संग, कि जो शौर्य शौर्य जो है भगवान कृष्ण के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, कि जो शौर्य विमुख जो कृष्ण विमुख लोग हैं उनका साथ उनके साथ रहने से श्रेष्ठ है कि मैं पिंजरा अपने चारों तरफ अपने आप को खुद ही कैद कर लूं ताकि जब आग लगाऊं तो बाहर निकल के ना भाग पाऊं, मेरे पास वो अवसर अब मौजूद नहीं रहे, उसी के अंदर जल के मर जाऊं। लेकिन एक अवैष्णव का एक अभक्त का जिसकी भगवान कृष्ण में आस्था नहीं है उसका संग नहीं कर पाऊँ, उसका संग नहीं करूँ। ये निषेध की बात हो रही है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम जो करना चाहिए जो जिससे आत्मा को सुख मिलेगा, जैसे हमने भागवतम के पहले स्कंद के छठे अध्याय के एक श्लोक की बात की थी कि निषेध से क्लेशों से तो मुक्ति मिल जाती है लेकिन आत्मा को सुख नहीं मिलता, वो जो सुख जिसके हम तलाश में हैं और करोड़ों जन्म से हम भटक रहे हैं वो सुख हमें कैसे मिलेगा, उस सुख की बात आगे 38वें सूत्र में आएगी जब नारद जी बताएंगे। अभी तो नारद जी ने बोला ये नहीं करना, जब ये असत संग नहीं करना तो फिर क्या करना है उसकी जब बात करेंगे 38वें सूत्र में, इसके ऊपर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।